बिलाईगढ़ के किहली पाली गांव में रोजगार सहायक ने ग्रामीणों के हिस्से के 1,23,000 रुपए निकाल लिए, गबन कर दिया। ये आरोप लगाए गए हैं किहली पाली गांव के 40 गरीब परिवारों ने। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए 1,48,000 रुपए दिए थे, जिसमें से महज 15,000 रुपए मनरेगा के तहत मिलना था, लेकिन रोजगार सहायक महावीर भारद्वाज हुए गरीबों के खाते में आने वाली 1,23,000 की राशि फर्जी मस्टर रोल बनाकर अपने माता पिता बहन के खाते में डाल दी। 2 महीने पहले की गई शिकायत के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित हितग्राहियों का कहना है कि यदि 7 दिनों में रोजगार सहायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ पहुंचकर सामुदायिक इस्तीफा देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे ग्राम पंचायत टेली पाली में रोजगार सहायक के द्वारा पीएम आवास हितग्राहियों का फर्जी मस्टर रोल बनाकर अपने माता एवं बहन एवं पिता के नाम पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसा हरण कर लिया गया है। अखिल मानिकपुरी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिल, ऐसा पहली बार नहीं है कि रोजगार सहायक की कारगुजारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आखिर जब रोजगार सहायक इतनी धांधली कर देते हैं तो उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी कैसे दे दी जाती है? निकला हुआ योजना आए हुए थे, जिस पर 1,48,000 रुपये सभी हितग्राहियों को देना था, लेकिन सभी हितग्राहियों के खाते पर 1,33,000 ही डाला गया था। वही मजदूरी की दर के नाम पर 15,000 रुपये मजदूरी जो घर मकान बनाने के मजदूर कार्य। ठीक है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक ये रोजगार सहायक पर कार्रवाई होगी? जी, हमने जब इस बात पर बिलाईगढ़ सीओ से बात करना चाहता हूँ, उसका साफ तौर पर कहना है कि पहले मेरे को शिकायत दिया था, मैं जांच के दौरान भी गया था, लेकिन वहाँ के जो गणमान्य नागरिक है वो आपस में बना लेने की बात कही थी, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। वही साफ तौर पर ग्रामीणों को आरोप है कि ऐसा हम लोगों के द्वारा बोला नहीं गया है, बल्कि रोजगार सहायक द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। बनाए रखिए अखिल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, खबर लगातार।